देश भर में मानसून एक्टिव हो गया है। अगर बात करें राजधानी दिल्ली की तो राजधानी दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी होने से उमस बढ़ गई है। इससे लोग चिपचिपाती गर्मी के साथ उमस भरी गर्मी से दिन भर परेशान रहे। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक गर्मी मयूर विहार में दर्ज की गई। तो वहीं बूंदाबांदी होने से रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3 न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। अगर बात करें हम यूपी की, यूपी में मानसून ब्रेक लेकर अब फिर से सक्रिय हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें यूपी की, यूपी ने भी अपना मिजाज बदल दिया है। यूपी में मानसून ब्रेक लेकर अब फिर से सक्रिय हो रहा है। अगले कुछ घंटे के भीतर यूपी के तमाम जिलों में बादल फिर से बरसेंगे और मौसम सुहाना होगा। मानसून एक्टिव होने के बाद प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश का अनुमान है। वहीं चिपचिपाती गर्मी और भीषण उमस से बेहाल मध्य और पूर्वी यूपी के लोगों को राहत जल्द ही मिल सकती है। वहीं लखनऊ समेत 42 जिलों में रविवार को मध्यम से भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया जा रहा है। वहीं कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर बुधवार को भारी बारिश का यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और आसपास के जिलों में अत्यधिक बरसात हो सकती है। अगर बात करें आगरा शहर की तो आगरा शहर में छोटे पाकेट में वर्षा हो रही है। इससे शहर के कई क्षेत्र सूखे जा रहे हैं और कुछ में वर्षा हो रही है। शनिवार को यही देखने को मिला। बता दें कलेक्ट्रेट के समीप हल्की वर्षा हुई और शहर के अन्य क्षेत्रों में बादल नहीं बरसे। इसके साथ ही अगर हम बात करें हिमाचल की तो हिमाचल में सोमवार को मानसून रफ्तार पकड़ेगा। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में इन दिनों मानसून सक्रिय नहीं है, इस कारण कुछ क्षेत्रों में भी बादल बरस रहे हैं। रविवार को भी कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना थी जो कि हुई। तो वही 29 जुलाई से अधिकांश जगह मौसम खराब होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने सोमवार को हल्की बारिश होने का अनुमान जताया है। साथ ही एक दिन के ब्रेक के बाद बृहस्पति तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान आसमान में हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे। अगर बात करें यहाँ के अधिकतम तापमान की तो 37 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। बता दें कि रविवार को सुबह से ही आसमान में हल्के बादल छाए रहे तो वही दिन भर बादल व सूरज की लुका छुपी का खेल चलता रहा। दोपहर में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। इसके बाद तेज धूप निकल आई, इससे उमस और अधिक बढ़ गई, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। IMG के मुताबिक अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग ने हिमाचल में 3 अगस्त तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी करने के साथ ही देश के 22 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। देवनगरी, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश का दौर जारी है, लेकिन हरिद्वार में बीते कुछ दिनों से ही गर्मी काफी बढ़ती जा रही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश के तमाम और यूपी उत्तराखंड की थोड़ी खबरों के लिए न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।